नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी है और उसकी नजरें खासकर दक्षिण पर है। पीएम मोदी ने भाजपा को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 से ज्यादा दौरे दक्षिण के किए हैं। पीएम मोदी ने इस बार तमिलनाडु का 7 बार दौरा किया है, जिसमें उन्होंने द्रविड़ियन राजनीति के बीच में सनातन और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाने की कोशिश की। दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बीजेपी जीत का परचम लहरा पाएगी। दरअसल पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में भले ही लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी फीका है। साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के एनडीए के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब जैसे राज्य बाधा बने हुए हैं और बिना इन राज्यों में कमल खिलाए 400 का टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता। इन राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। बीजेपी पहले देश की करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की है, जहां पर मुस्लिम वोटर अहम रोल में है। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी, जिसमें 25 सीटें कर्नाटक की थी और 4 सीटें तेलंगाना की। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी को अपनी सीटों का इजाफा करना होगा, तभी जाकर उसका 400 पार वाला ख्वाब पूरा हो पाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्वीकार्यता कर्नाटक छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकती। इसके पीछे एक बड़ी वजह हिंदी भाषी और हिंदुत्व छवि उसके विस्तार में अड़चन बन रही है। वहीं कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाबी पाई थी और 1 सीट पर उसके सहयोगी को जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीटें ही हैं। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 8 सीटें 2019 में जीती थी। पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीट ही बीजेपी के पास है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का दबदबा है तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का वर्चस्व कायम है। केरल की सियासी लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट के बीच फोकस है और वहां के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए मुश्किल हो रही है। पंजाब में सिख समुदाय की बहुलता बीजेपी के लिए बाधा बनी हुई है। केरल और बंगाल में भी मुस्लिम वोटर करीब 30% के करीब है और दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता काफी हावी है, जिसके चलते बीजेपी के लिए ये भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बीजेपी उन 5 दक्षिणी राज्यों को लुभाने की काफी कोशिश कर रही है, जहां उसे अभी तक कोई खास फायदा नहीं हुआ है, और इस बार खास नजर दक्षिण पर है। इस बार तमिलनाडु में बीजेपी का गठबंधन पीएमके, टीएमसी और एएमएमके जैसी पार्टियों के साथ है। खुद बीजेपी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहीं बाकी सीटों पर एनडीए के दूसरे सदस्यों को मौका दिया गया है। इस बार बीजेपी राज्य में बड़े भाई की भूमिका निभाती दिख रही है, जिसके बाद सियासी बिसात पर बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल दिख रहा है। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को हो चुके हैं। बीजेपी को पूर्व में तमिलनाडु में इससे पहले कोई खास फायदा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी परंपरा के टूटने की उम्मीद कर रही है, ताकि उसका सियासी ग्राफ बढ़े और 400 पार का आंकड़ा हासिल कर सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।